क्लास में हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स 70 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स कैसे प्रोटेक्टर और रूलर यूज करने के बाद 70 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स बनाए जाते हैं। तो इसमें हमने यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर इज दिस एंड रूलर, रूलर इज दिस। इन दो को यूज करने के बाद वी हैव टू मेक 70 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस। नाउ पहले हम एक लाइन डालेंगे और रूलर के मदद से। आई विल यूज रूलर हियर। फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट 70 डिग्री एंगल। तो 70 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले आपने रूलर यूज करना है। रूलर यूज करने के बाद एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम प्रोटेक्टर लेंगे। तो इस प्रोटेक्टर से आपने क्या करना है, इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस पॉइंट पे लाना है यहां पर, और ये जो ये इस वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पे, और ये लाइन जो है इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। ये लाइन जो इसमें है, मैं दिखाऊंगा कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो इसमें है ये इस लाइन पे आनी चाहिए, नीचे ये लाइन है। तो इसके बाद हमें पहले 70 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 70 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की मदद से बनाने के लिए हमें अब जाना पड़ेगा 70 डिग्री पे। नाउ वी विल चेक हियर, दिस इज 40, 50, 60 एंड दिस इज 70। इट मीन्स एट दिस पॉइंट आई विल पॉइंट हियर, यहां पर हम पॉइंट डालेंगे। ये है 70 डिग्री का पॉइंट, मैं फिर से इसको डाल देता हूं। ये है 70 डिग्री का पॉइंट। इस 70 डिग्री जहां पर लिखा है वहां पर हमने पॉइंट डालना है। पॉइंट डालने के बाद अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। वी विल यूज दिस रूलर एंड आल्सो दिस पॉइंट। तो इन दो को हम अब मीट करेंगे। यह हमने मीट किया इन दो को। तो मीट करने के बाद दिस एंगल जो हमने यहां पर बनाया, इट मीन्स दिस एंगल इज 70 डिग्री एंगल। दिस इज 70 डिग्री एंगल। तो इसको हम नाम देंगे ए बी एंड सी। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने बनाया 70 डिग्री एंगल। नाउ वी विल ड्रा 60 डिग्री एंगल। अब हम एक्यूट एंगल बनाएंगे 60 डिग्री। अगेन वी विल यूज दिस ruler and we'll draw another line. Now ye line use karne ke baad ab hum protector use karenge. Now we will use this protector. To protector mein jo ye horizontal line hai, ye wali line, is line ko is point pe lana hoga, इस पॉइंट पे। एंड ये जो ये लाइन है, दिस लाइन शुड बी ऑन दिस लाइन। तो मैं इसको नीचे लाता हूं। नाउ दिस इज एट राइट पोजिशन। नाउ वी विल चेक द, वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ एक्यूट एंगल दैट इज 60 डिग्री। वी विल
check on the protractor. Here wire is the 60. This is 10, 20, 30, 40, 50, 60. It means हम यहाँ पर पॉइंट डालेंगे 60 की जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के सीध में हम यहाँ पर पॉइंट डालेंगे तो पॉइंट डालने के बाद अब हम रूलर को यूज करेंगे तो रूलर को यूज करके हम इसको इस पॉइंट के साथ मीट करते हैं ये देख लीजिए आप वी विल मीट दीज टू पॉइंट्स वी विल जॉइन दीज टू आफ्टर जॉइनिंग दीज टू we get this angle this is 60 degree angle I will name this R S T तो इस तरह से हमने सीखा कि एंगल्स को कैसे बनाया जाता है by using the protractor and compass तो इसको protractor कहते हैं कम और इसको ruler not compass ruler We construct two angles by using these two geometric tools that is one is protractor and second is ruler. तो इससे हमने सीखा learn किया कि हम protractor और ruler के जरिए से किस तरह से किसी भी degree का angle बना सकते हैं यह हमने बनाया 70 degree का और यह है 60 degree का तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले आपने ज़रूर इसको सीखना है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं इन आइटम्स इन टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है एंड रूलर एंड कंपास